नमस्कार, मैं आस्था चौहान, आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें। राजगढ़ के ब्यावरा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ग्राम मलावर में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के दौरान थाना मलावर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोटा राजस्थान से नाबालिग का अपहरण करने वाले युवक को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी कल्लो उर्फ पप्पू पिता रामनारायण सुतार को हिरासत में लिया। नाबालिग ने बताया कि कल्लू ने लड़की को शादी का झांसा देकर उसको राजस्थान के कोटा ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी कल्लू को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। खिलचीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा के बड़े रेलवे स्टेशन पर घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे विभाग के इंजीनियर एच के सिंह द्वारा सड़क निर्माण का टेंडर बरुआ सागर के ठेकेदार अशोक अग्रवाल को दिया गया है। ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही सड़क में काली रेत व कम सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। सड़क की लंबाई एवं चौड़ाई तय नहीं की गई है। घटिया सामग्री के साथ एक पतली परत बिछाई जा रही है जो जिसका 6 माह में ही उखड़ जाना तय होना लग रहा है। इसके पहले बनाए गए रेल विभाग के कर्मचारियों को रहने के आवास में भी घटिया निर्माण का मामला सामने आया था। उन कर्मचारियों को अपने आवास तक पहुँचने वाली सड़क में भी ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग करके सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। जी, रोड डाला जा रहा है जिसमें देखा जा रहा है मिट्टी मिलाई जा रही है बजरी की जगह, इस पर क्या है? नहीं, मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो ऐसी वाली वो तो सामने दिख रहा है, वीडियो भी बना चुका हूँ, दिख रहा है वो, उससे तो मिट्टी नहीं है। इंजीनियर आते हैं आपके यहाँ चेक करने? ये रोड की लगभग चौड़ाई लंबाई क्या है? चौड़ाई काम के 4 मीटर। 4 मीटर चौड़ाई है, लंबाई कुछ पता है? लंबाई वो नहीं है, अभी 200 मीटर है, 200 मीटर के आसपास। और जैसे चेक करने आते हैं कोई इंजीनियर? आते हैं। बुरहानपुर में स्टेट हज कमेटी के निर्देशानुसार जिला हज कमेटी द्वारा स्थानीय दानिश स्कूल में अगस्त 2018 में पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए एक दिवसीय हज प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर का आयोजन प्रदेश हज कमेटी के निर्देशानुसार किया गया। इस शिविर में हज यात्रा पर जाने वाले 212 महिला पुरुष हज यात्रियों को हज की बारीकियों की जानकारी देते हुए हज के दौरान होने वाले अरकान के संबंध में बताया गया। अगस्त माह के पहले सप्ताह में हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल सभी हज यात्रियों ने संपूर्ण प्रशिक्षण से संतुष्टि जाहिर की है और उनका कहना है कि यह प्रशिक्षण उनकी हज यात्रा में काफी मददगार साबित होगा। एक अल्लाह की तरफ से अल्लाह का वादा है, मतलब अल्लाह जिसे बुलाता है वही हज को जाता है। तो ये खुशनसीबी की बात है मेरे लिए कि मेरी वालिदैन ने मेरे को सबसे कम उम्र के अंदर हज करने की शहादत नसीब हुई मुझे, ये अल्लाह तरफ की एक बात है। ट्रेनिंग हुई, क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा और सब कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मेहनत की, हुज्जातुल इकराम ने बहुत तरीके से मेहनत भी की और उनको हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, पूरा हज का तरीका हमको समझाया, एक एक बात हमें पूरी दिमाग के अंदर आई हुई है। शाहजहाँपुर जिले के काला पीपल तहसील के अंतर्गत इमली खेड़ा गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा वृक्ष गंगा अभियान के तहत 5001 पौधे रोपे गए। वृक्ष गंगा अभियान के तहत तरुपुत्र महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। पर्यावरण को अध्यात्म से जोड़ते हुए जन जन को जागरूक करने का कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव द्वारा किया जा रहा है। के इतिहास में और ग्राम हिंदी खेड़ा ने जो वृक्ष गंगा अभियान के नाम से वृक्षारोपण किया है, ये ऐतिहासिक है और सब सौभाग्यशाली इसलिए है कि इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में गायत्री परिवार के मुखिया, जब मेरे गुरुदेव, हमारे सबके गुरुदेव सुसनेर में आए और मेरे पिताजी वहाँ पर जज थे, सिविल जज थे और उन्होंने अपनी गोद बकायदा उनके ट्री गार्ड बनाएंगे और उन ट्री गार्डों के लिए स्पॉन्सर्स जिसमें कि पिता की उनके नाम लिखे। शास्त्रों में लिखा है माता भूमि पुत्रो हम, यानी हम सब पृथ्वी माता की संतान है और पृथ्वी माता की संतान होने के नाते संतान के जो दायित्व होते हैं वो दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम इतने सारे पर्यावरण प्रेमियों पर एकत्रित हुए हैं।
आदिम जाति कल्याण मंत्री लाल सिंह आर्य ने रविवार को विक्रम विश्वविद्यालय के आदिम जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास पर छापा मार कर निरीक्षण किया। दरअसल आज उज्जैन पहुंचे आर्य ने बिना किसी को सूचित किए छात्रावास में निरीक्षण के लिए चले गए, जहां उन्हें कई खामियां देकर आर्य भड़क गए और अधिकारियों को नसीहत देकर चेतावनी दे डाली। कई दिनों से शिकायत मिलने के बाद रविवार को जब मंत्री उज्जैन पहुंचे तो अपना काम निपटाने के बाद सीधे छात्रावास पहुंच गए, जहां जायजा लेते हुए जब छात्रों के रूम तक पहुंचे तो छात्रों ने आर्य के सामने दाल और रोटियां दिखाई जो काफी जली हुई दिख रही थी। ये देख आर्य भड़क गए और उन्होंने छात्रों की शिकायत पर वहां के वार्डन से जब नाश्ते के बारे में पूछा तो उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर आर्य ने रोजाना रोटी दाल चावल सब्जी के साथ सुबह का नाश्ता देने की बात कही और छात्रावास में किसी भी तरह के पोस्टर बैनर को चिपकाने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए। अभी कुछ दिन पहले ही छात्रावास के छात्रों ने सुविधा नहीं मिलने से नाराज होकर हंगामा किया था, जिसके बाद 5 दिन पहले ही तत्कालीन अधीक्षक पवन मिश्रा का तबादला कर दिया गया था, जिसके बाद वर्तमान में अधीक्षक अशोक मालवीय के रहते हुए जब भी आर्य को कई खामियां मिली तो उन्होंने कार्यवाही करते हुए छात्रावास के पूर्व अधीक्षक पवन मिश्रा को सस्पेंड किया और वर्तमान अधीक्षक अशोक मालवीय का इंक्रीमेंट रोकने के आदेश कर दिए और अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी से जांच की बात कही। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र समिति है उसमें एक उप समिति है, उसकी बैठक के लिए हम जहाँ आए थे मैंने कहा एक छात्रावास का भी निरीक्षण किया जाए और इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अचानक हमको निरीक्षण करना चाहिए। मैं आज पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में है अनुसूचित जाति का, उसको मैं देखने आया हूँ। बहुत सारी उसमें कमियां पाई हैं, हमने उन लापरवाहियों के कारण नंबर एक तो हमने जांच के आदेश दिए हैं कि 15 दिवस में जांच पूरी कर उसमें एडिशनल कलेक्टर और हमारे संभागीय अधिकारी दोनों जांच करेंगे। दूसरा, हम इस छात्रावास में पुराना जो अधीक्षक था जो 5 दिन पहले बदला गया उसको हमने सस्पेंड किया है। नया अधीक्षक जो अभी 5 दिन पहले आया है, स्टोर का ताला नहीं खुला है वो अलग विषय है, लेकिन 5 दिन पहले भी आए हैं तो 5 दिन में कुछ व्यवस्थाएं तो ठीक होना चाहिए थी, इसलिए एक इंक्रीमेंट हमने उनका रोका है। हमने पीएस को आदेश दिए हैं कि 8 दिन के भीतर सभी बच्चों को नए गद्दे, नए तकिए और नई चादर ये आ जानी चाहिए यहाँ छात्रावास में। लाखों की कीमत के चुराए हुए मोबाइलों को ठिकाने लगाने आए पुलिस की नजरों को चुभे तो धराए। घटना उज्जैन के माधव नगर क्षेत्र की है, जहां शनिवार की देर रात पुलिस ने एक विकलांग सहित 3 शातिर चोरों को धर दबोचा। आपको बता दें कि उज्जैन के कोट मोहल्ला के समीप 2 अज्ञात युवक महंगे फोन सस्ते दामों पर बेच रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि सूरज उर्फ फिरोज और निखिल दोनों ने मिलकर 3 जुलाई को माधवनगर क्षेत्र स्थित सैमसंग मोबाइल केयर पर सुधारने आए और करीब 5 लाख से अधिक कीमत के करीब 60 मोबाइल चुरा कर लगे और ये वही मोबाइल है जिन्हें ये दोनों चोरी का माल मार्केट में खपाने आए थे। दोनों ने एक अन्य साथी साहिल के बारे में बताया तो पुलिस ने तीनों को माल के साथ गिरफ्तार किया। उज्जैन से राहुल यादव की रिपोर्ट। हाँ, इसमें 3 आरोपी हैं, 2 आरोपियों द्वारा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तथा 1 आरोपी जो है उसके द्वारा मोबाइल जो है बेचने का इसमें काम किया गया है। पुलिस द्वारा अभी तक 60 की संख्या में मोबाइल जब्त किए हैं और जो अन्य सामग्री है मोबाइल स्पेयर पार्ट्स है उसकी भी पूछताछ जारी है, वो भी पुलिस द्वारा जल्द जब्त किए जाएंगे। यूपी के रामपुर में दोस्ती के रिश्ते को तार तार कर देने वाली वारदात सामने आई है। थाना मलक खानम में युवक ने अपने दोस्त को पहले खूब शराब पिलाई, बाद में मौका पाकर उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या करके लाश को एक दुकान के पीछे फेंक दिया और रोता हुआ खुद पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर एएसपी सुधा सिंह सहित पुलिस के अधिकारी पहुंचे और वारदात की बारीकी से छानबीन की। इस मामले में जब पुलिस ने दोस्त संतोष ठाकुर से पूछताछ की तो संतोष ने हत्या करना कबूला। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व कन्नू नाम के युवक की हत्या हुई थी। मामले में पैसों को लेकर विवाद सामने आया जिसमें कन्नू का हत्यारा उसका दोस्त ही निकला। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। थाना मिलक खानम में परसों रात्रि में एक युवक की गला काट कर हत्या हो गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। इसमें पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 युवकों को हिरासत में लिया था। उनमें से एक युवक उस वक्त घटना के वक्त वहीं दुकान में मौजूद था, ढाबे में मौजूद था,
और उस पर पुलिस को शक था। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि घटना में उसके द्वारा शराब पी गई। घटना से पहले दोनों युवकों ने मिलकर शराब पी है। शराब पीने के पश्चात दोनों में कुछ बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान इनमें मारपीट हुई और उसी तैश में आकर इसने पास पड़े चाकू से युवक की गर्दन पे वार किया, जिससे कि वो मर गया वहीं मौके पे। राजगढ़ के छापेहेड़ा नगर वासियों ने यहां के विकास की आधारशिला रखने वाले समाज सेवी को खो दिया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महेंद्र कुमार रामपुरिया उर्फ मुन्ना बाबू का शनिवार रात में हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 53 वर्ष की आयु में मुन्ना बाबू का निधन हुआ। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की मौत से छापेहेड़ा नगर में मातम का सन्नाटा छा गया। आपको बता दें कि छापेहेड़ा नगर के विकास में मुन्ना बाबू की अहम भूमिका मानी जाती है। उनकी अंतिम यात्रा में क्षेत्र विधायक सहित क्षेत्र एवं जिले भर के जनप्रतिनिधि, नगरवासी एवं हजारों ग्रामीण लोग उपस्थित थे। स्कूल भवन नहीं, झोपड़ी में लगती है कक्षा, पढ़ते हैं 65 बच्चे। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र और वहां पर भी यदि सरकारी स्कूल में बच्चे किसी झोपड़ी में बैठकर पढ़े तो इसे क्या कहेंगे। नसरुल्लागंज के लाड़कुई संकुल अंतर्गत पिपलिया झील के प्राइमरी स्कूल के पास अपना भवन नहीं है। यही कारण है कि भवन न होने की दशा में इन आदिवासी बच्चों को एक झोपड़ी में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ रही है। सरकार की जनहितैषी योजनाओं को पलीते का उदाहरण स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र से निकलकर सामने आया है। ग्राम पंचायत झाली का पिपलिया झील, यहां कमोवेश 5 दर्जन से अधिक बच्चे आज भी झोपड़ी से बने स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। हालांकि विगत 3 वर्ष पूर्व स्कूल की भूमि पर किचन सेट बनकर तैयार हो चुका है, तो वहीं सरपंच ने स्कूल परिसर में शौचालय का निर्माण भी करा दिया है, लेकिन नहीं बना तो स्कूल का भवन। इन स्थितियों में उससे सटे ग्रामों में बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए परेशान है। स्कूल भवन नहीं होने के साथ ही सड़क के नाम पर कीचड़ के दलदल से होकर मासूमों को पढ़ने जाना पड़ता है। वहीं सरपंच जय नारायण बारेला ने बताया कि मेरे द्वारा कई बार मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर को भवन नहीं होने को लेकर अवगत कराने के बाद भी आज तक ये भवन स्वीकृत नहीं किया गया। कुछ समय पूर्व मुख्यमंत्री सिवनिया आए थे, उस दौरान भी हमारे द्वारा भवन को लेकर आवेदन दिया गया था, लेकिन प्रदेश में बच्चों के मामा कहलाने वाले शिवराज क्यों कर रहे हैं भेदभाव। क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे ये झोपड़ी में रह रहे हैं? इसके लिए सर, ये झोपड़ी में हमने जो हमारा कर्तव्य था कि ये बात हमको आगे अवगत करवाया। हमने कलेक्टर साहब को बोला था, पिछले साल भी दिया था कि सर यहाँ की जगह ऐसी स्थिति है, गाँव के आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं और तो यहाँ पे हमको एक मांग सॉरी भवन बना दिया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं अच्छे से पढ़ सके। और पिछले साल हमने शौचालय की कमी थी तो हमने सर शौचालय बनवा दिया, बाकी किचन सेट खाना बना बनाने के लिए मध्यान्ह भोजन के लिए तो किचन सेट बना दिया, लेकिन कमी सिर्फ भवन की है। तो भवन कारण बच्चे अब मजबूरी है कि अब झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। गुना जिले में तेज बारिश होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक म्याना में पानी के बीच एक बोलेरो फंस गई थी, जिसमें सवार 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे थे, किंतु ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और तीनों को डूबने से बचाया। आपको बता दें कि गुना में इन दिनों भारी बारिश से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक म्याना रेलवे स्टेशन नहर में तब्दील हो गया है। पूरा रेलवे ट्रैक पानी से सराबोर है और करीब 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है पूरे क्षेत्र में। इसी के चलते एक बोलेरो वाहन लगभग पूरा डूब गया था, जिसमें सवार 3 लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। गुना जिले के भारी बारिश ने हालत अस्त व्यस्त कर दिए हैं। गुना के म्याना रेलवे अंडर ब्रिज में लबालब पानी भर जाने के कारण वहां से गुजर रही मालगाड़ी को रोक दिया गया। आपको बता दें कि मालगाड़ी को ब्रिज के ऊपर से निकालने में दिक्कत होने के कारण चालक ने मालगाड़ी को वहीं रोक दिया और पानी कम होने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिज के नीचे लबालब पानी भर जाने से लोगों द्वारा मोटर पंप के द्वारा पानी निकाला जा रहा था। जानकारी के मुताबिक यहां का जलस्तर 6 से 7 फुट बढ़ गया था, जिससे अंडर ब्रिज के दोनों तरफ कई वाहनों के चक्के भी थम गए थे। मामले में रेलवे प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। प्रशासन ने अंडर ब्रिज की परेशानी का कोई हल नहीं निकाला अभी तक।
गुना जिले की कैंट पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 6 कुख्यात पारदी बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि ये अपराधी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। जानकारी के अनुसार सीएम के आगमन के एक दिन पूर्व पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कैंट थाना क्षेत्र में डकैती करने की फिराक में घूम रहे श्री वल्लभ, आकाश, कालू, जनक, राजू और राज पादरी को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों से 2 देसी कट्टे, कारतूस, तलवारें, गुप्ती, दौलतियां बरामद की। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों पर 40,000 का इनाम रखा गया था। राघोगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्थानीय टोल नाके पर जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों से टोल कर वसूले जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह के इस प्रदर्शन से माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायक फिर से अपनी राह साफ कर लेंगे। आपको बता दें कि राघोगढ़ वासियों को टोल मुक्त करने के उद्देश्य से NH 46 पर जब जयवर्धन ने अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया तो NHAI प्रबंधन भी घबरा गए। चार पांच गाड़ी मिलके ले जाओ, ऐसा बोलते हैं। यूपी के बदायूं जिले में कादर चौक थाना क्षेत्र के सुंदर वन में दिन दहाड़े पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक इनामी बदमाश को पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बदमाश इरशाद पितादिन मोहम्मद पर 10,000 का इनाम घोषित था। बदायूं जिले के कादर चौक थाना क्षेत्र के ग्राम कादर बाड़ी का रहने वाले इस अपराधी पर अपहरण, लूट, पशु तस्करी और हत्या सहित कई मामले दर्ज है। आपको बता दें कि रविवार को पुलिस इन बदमाशों के बीच फायरिंग हुई तो इरशाद का पैर घायल हो गया और अजीब मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। डिंडोरी के शाहपुरा क्षेत्र में इन दिनों SDM अमित कुमार बहरोलिया तूफानी दौरे कर शासन के द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर रही है। इसी कड़ी में SDM अमित कुमार शाहपुरा के सागर टेकरी पहुंचे, जहां 11 करोड़ 36 लाख की लागत से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत फिल्टर प्लांट तैयार किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य को ग्वालियर के सारथी कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, जिसके निर्माण की अवधि 24 महीने रखी गई है। लेकिन SDM को निर्माण कार्य में निरीक्षण के दौरान कई खामियां और गुणवत्ता में कमी नजर आई, जिसे लेकर SDM ने ठेकेदार को मौके में फटकारते हुए सुधार करने के निर्देश दिए। वहीं SDM का कहना है कि इस कार्य में नगर परिषद सहपुरा के CMO को भी नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा कि क्यों कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। काम जारी है, आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में पाया गया कि जो तय सीमा में जो काम होना था वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। इससे निश्चित तौर पे नगरवासियों को कुछ समस्याएं हो रही हैं। साथ ही निरीक्षण में ये भी देखा गया कि कुछ जो पोर्शन है, जो कुछ सेगमेंट है प्लांट के, वहाँ पे क्वालिटी उतनी इफेक्टिव नहीं पाई गई जो कि होनी चाहिए। संबंधित जो कॉन्ट्रेक्टर हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी त्रुटियाँ हैं, जो भी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसको जल्दी जल्दी ठीक करना है, ताकि प्लांट एक मॉडल प्लांट बन सके सैपुरा के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।